हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थ्रेडिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं जिसमें सीएनसी ऑल ऑपरेशन का एक एक वीडियो बनेगा। उसका थ्योरी सबसे पहले बन रहा है, उसके बाद प्रैक्टिकल सबका बनेगा। फर्स्ट वीडियो फेसिंग टर्निंग फर्स्ट वीडियो जो है फेसिंग का और सेकेंड वीडियो टर्निंग का बन चुका है। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग थ्रेडिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो देखिए, आप लोगों के सामने एक यहाँ ड्राइंग दिखाई दे रहा है जिसमें कि ये जो चिन्ह है इसको आप लोग समझिए कि ये थ्रेडिंग है, और इसका डायमेंशन जो दिया हुआ है ये 33 mm है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक इसका जो ओडी है, ये एक सर्कुलर आइटम है, इसका ओडी जो है 33 mm है। यानी थ्रेड के ऊपर से अगर आप कैलिपर से अगर इसका ओडी नापेंगे तो 33 mm आएगा। ये 30 mm, ये 30 mm जो है दोस्तों, ये जहाँ थ्रेड ख़त्म होता है दोनों साइड, उसके बीच का जो आईडी है उसको नापेंगे तो ये 30 mm है। ये जो बड़ा है 33, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर। ये मेजर ओडी है और ये माइनर ओडी है। कितना है? 30 mm। और ये देखिए, ये जो है पिच, दो थ्रेडों के बीच की दूरी जो होता है उसको हम लोग पिच कहते हैं। ये दिया हुआ है 4 mm। अब इसी को लेके हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि कैसे थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। और हाँ दोस्तों, आज ये जो वीडियो बनेगा, ये थ्रेडिंग का प्रोग्रामिंग सीखेंगे, इसमें हम लोग बेसिक G32 और 33 इसी कोड से थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। ऐसे तो थ्रेडिंग के लिए बहुत सारे कोड होता है, G76 होता है, 92 होता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग G32 और G33 से बनाएंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समय को न बर्बाद करते हुए और डायरेक्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। जैसा कि हम लोग सभी आदमी जानते हैं कि प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम नंबर लिखना पड़ता है, और उस प्रोग्राम नंबर में सबसे पहला जो अंक होता है वो होता है, उसके बाद कोई भी चार अंक अपने इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। मान लीजिए इसमें हम ले लिए 2, 3 और 2, 4, ये प्रोग्राम नंबर ले लिए। प्रोग्राम नंबर के बाद हम लोग लेते हैं सीक्वेंस नंबर, जो कि एन से स्टार्ट होता है, इसको N1 दे दिए। इसको ले या न ले कोई दिक्कत नहीं है, लेने पे क्या है सुविधा हो जाता है कि किस सीक्वेंस नंबर में कौन सा ऑपरेशन है। अगर बड़ा प्रोग्राम रहता है तो उसमें समझने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए सीक्वेंस नंबर को दे देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। N1 ये हो गया सीक्वेंस नंबर। अब हम लोग प्रोग्राम में क्या करते हैं, सबसे पहले G28 U0.0 W0.0 रेफरेंस, ये रेफरेंस के लिए लाइन होता है, क्योंकि आपका टूल अगर कहीं भी हो मशीन में और ये लाइन आएगा तो टूल अपना रेफरेंस पॉइंट पे यहाँ कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया, ये सेफ्टी लाइन है, और इसके बाद क्या करते हैं, टूल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, रेफरेंस के बाद टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब अपने टूल टॉयलेट में, मशीन के टूल टॉयलेट में देखेंगे कि हम लोग को थ्रेडिंग करना है तो उसके लिए कौन सा टूल का रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए टूल नंबर 1 है जिसमें थ्रेडिंग का इंसर्ट लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ उस टूल को लिख देंगे T0101। ये 01 जो है टूल नंबर है और ये 01 जो है ऑफसेट नंबर है। ठीक है, टूल को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जॉब को मशीन में लगा के क्लैंप करते हैं। कुछ मशीन में क्या है कि ऑपरेटर लोग पैर से दबा के क्लैंप करते हैं, और कुछ में ऑटोमेटिक कोड दे दिया जाता है जो कि M11 होता है, ये हाइड्रोलिक क्लैंप ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, जॉब क्लैंप हो गया। अब जॉब क्लैंप हो गया तो टूल को हम लोग को इस जॉब के पास लाएंगे। टूल को लाने के लिए हम लोग G0, और यहाँ जॉब है तो जॉब से एकदम टच नहीं करेंगे, जॉब से थोड़ा दूर रखेंगे, तो इससे मान लीजिए 2 mm दूर यहाँ लाएंगे। और ये ओडी जो है 33 है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर है तो 33 पे ला सकते हैं। तो G0X 33.0 Z 2.0
जीरो यहाँ पे टू ला के खड़ा हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट ऑपरेशन करेंगे, थ्रेडिंग ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो थ्रेडिंग ठीक है, टूल को 33.0 और जेड 2.0 यहाँ पे ला दिए। अब क्या करेंगे, चक को घुमाएंगे। चक घुमाने के लिए क्या होता है, G97 S1500 और M03। ये S1500 RPM, जितना भी RPM में आपको घुमाना है वो RPM दे दिए, और ये M03 से क्लॉकवाइज में आपका चक घूमने लगेगा, ठीक है। आप पहले घुमा के भी टूल को यहाँ ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, या पहले टूल को यहाँ ला दिए उसके बाद भी घुमाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आपको थ्रेडिंग ऑपरेशन चालू करना है। तो थ्रेडिंग के लिए कोड क्या होता है, G32। कितना ओडी में थ्रेडिंग करते जाएंगे, 33 है ना, तो फर्स्ट कट ऊपर ऊपर ही लेते हैं, G33Z। अब मान लीजिए थ्रेडिंग का लेंथ कितना है, ये लेंथ यहाँ मान लीजिए 20 mm दिया हुआ है, Z-20.0 F। अब क्या देंगे, F, F क्या है, पिच, कितना दिया हुआ है 4 mm, यहाँ 4.0 UB। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब एक लाइन ये जो थ्रेडिंग हो गया, अब एक लाइन थ्रेडिंग होने के बाद टूल को थोड़ा ऊपर लेंगे और फिर यहाँ लाएंगे, फिर से थ्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। जब तक क्या स्टार्ट करेंगे, जब तक यहाँ तक थ्रेडिंग करते हुए ना आ, X33Z-20 और F4। J32 हो गया आपका थ्रेडिंग कोड, और X33 जो है आपका OD हो गया, जिस OD पे थ्रेडिंग करते हुए आएगा, और Z-20 ये थ्रेडिंग लेंथ हो गया टोटल, और F4 जो है आपका थ्रेड का पिच हो गया। इस लाइन से आपका थ्रेडिंग का एक लाइन जो है, एक कट कंप्लीट हो गया। फिर सेकेंड कट लेने के लिए क्या करते हैं, टूल को थोड़ा ऊपर लेते हैं, टूल को ऊपर लेते हैं और यहाँ पे लाना है, तो ऊपर अगर नहीं लेंगे और इसी पे लेंगे तो थ्रेडिंग को घिस देगा, घिसते हुए टूल यहाँ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। X33 है ना, X34 G0 X34 किए तो टूल थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ, और G0 F Z2 से यहाँ आ गया। दूसरा कट के लिए फिर क्या करेंगे, X32 X33 पे पहला कट लगा है, दूसरा कट क्या करेंगे, X32 पे इसलिए ला रहे हैं कि हम लोग जो थ्रेडिंग का कट ले रहे हैं, वन कट में 0.5 का कट ले रहे हैं। अगर 0.5 का कट लेते हैं तो टोटल OD जो चेंज होता है वो 1 mm का होता है, क्योंकि कोई भी राउंड चीज है अगर 0.5 अगर इसमें ऊपर से छीलेंगे या कटेंगे तो इसका OD पे पूरा 1 mm का डिफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, ये X32 पर ले गए, और G32 X32 और Z-20 F4.0 पिच सेम है, OD बस चेंज हो गया, पहले 33 पे था अब 32 पे हो गया, और Z-20 रेंथ सेम है, ये फिर दूसरा कट कंप्लीट हो गया। फिर वैसा ही 0.5 का फिर कट लेंगे, और टूल को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, 31 पे, और 31 G32 X31 Z2.0 Z-20 20.0, ये पूरा लेंथ हो गया, यहाँ तक थ्रेडिंग करते हुए आएगा, ये 4 पिच हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, X31 तक आया, हम लोग को माइनर OD कितना चाहिए, 30 चाहिए ना, तो एक कट हमको और लेना होगा, तो फिर टूल को ऊपर लेंगे, G0X31 है ना, तो 31 से ऊपर कुछ भी, 31 है ना, और मेजर OD अपना कितना है, मेजर OD जो है आपका 33 है, तो इसको 33 से ऊपर लेंगे, 34X34.0 अब ऊपर आ गया, फिर यहाँ लेंगे G0Z2.0, अब फिर कट थ्रेडिंग कट स्टार्ट करेंगे थ्रेडिंग लाइन के लिए, कितना पे लाना है हमको, G31 हो गया है ना, X30 करना है, तो G0X30.0 अब थ्रेडिंग साइकिल चला देंगे, G32X30.0 Z-20.0 और F4.0, ये आपका थ्रेडिंग साइकिल, यहाँ एक कट और लग गया 30 पे।
फिर अब थ्रेडिंग कट लग गया तो फिर ऊपर लेंगे जी जीरो एक्स 34.0, ठीक है। एक कट और चलाएंगे 33 पर ही, 30 पर ही, क्योंकि 30 पे कटा है ये थ्रेडिंग का कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर इसी पे एक कट और चलाएंगे ना, तो जो अपना चूड़ी है वो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई रफनेस है या कोई स्क्रैप है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर ले जाते हैं जी जीरो जेड 2.0, जी जीरो एक्स 30.0, और एक्स 30 पर ही फिर से एक बार थ्रेडिंग को चला देते हैं। 20.0 F4.0 सेम पिच में। इससे क्या होगा, इस लाइन को हम लोग जो दिए हैं दोस्तों, केवल सरफेस को, थ्रेडिंग का जो सरफेस है उसको प्लेन करने के लिए, उसको क्लीनिंग करने के लिए दिए हैं। इससे मटेरियल कुछ नहीं कटेगा आपका। X30 तो माइनर ओडी है, उस पे यहाँ यही हो गया आपका थ्रेडिंग कंप्लीट। इस कट को हम लोग केवल दिए हैं, उसमें जो स्क्रैप फंसा हुआ है उसको निकाल कर बाहर ला देगा। अभी आपका थ्रेडिंग कंप्लीट हो गया। अब टूल को हमको यहाँ लाना है। यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले ऊपर लेंगे जी जीरो, क्योंकि अभी थ्रेडिंग करते करते टूल यहाँ आया हुआ है, यहाँ पे है, तो यहाँ से ऊपर ऐसे लेंगे जी जीरो एक्स 34.0। अब डायरेक्ट हम यहाँ से टूल को यहाँ ले सकते हैं, या टूल को पहले यहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, तो जी जीरो जेड 2.0। अब यहाँ से फिर यहाँ ले जाएंगे रेफरेंस के लिए। रेफरेंस का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कोड होता है G28U0.0W0.0, ये आपका रेफरेंस चला गया। अब क्या करेंगे, अपना जो चक रोटेट हो रहा है उसको स्टॉप करेंगे। चक स्टॉप करने के लिए क्या होता है, कोड MO5। MO5 से क्या होगा, आपका चक स्टॉप हो जाएगा। अब जॉब को निकालेंगे, तो आपके पास अगर पैड से है ओपन करने वाला, तो पैड से दबा के ओपन कर लेंगे। और यहाँ अगर हम M11 का यूज किए हैं क्लैंप के लिए, तो यहाँ हम लोग M10 का यूज करेंगे क्लैंप को ओपन करने के लिए। क्लैंप को ओपन कर लिए, जॉब निकल गया। उसके बाद इस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए M30, ये थ्रेडिंग का प्रोग्राम हो गया दोस्तों। आशा करते हैं इसमें कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या इस वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स में डालिए कि यहाँ दिक्कत है, उसको हम सॉल्व कराएंगे, आपको अच्छा से समझा देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।